अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए हैदराबाद चुनाव से और एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हैदराबाद लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने यहां पर कल एक रैली की थी और इस रैली के ज़रिए से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर उन्होंने हमला करते हुए मुसलमानों को फिर से एक मरतबा रज़ाकार बताया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो यहां पर चार बार से जीतते हुए आ रहे हैं उनको रज़ाकार बताते हुए उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कही है। इसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह पर कड़ा प्रहार किया और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर हमला बोला और अमित शाह को मुँह तोड़ जवाब देने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया है, क्योंकि आज असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्लियामेंट सीट जो यहाँ पर लगातार जीतते हुए हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं और आवाम की बाखूबी खिदमात को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर उनका बाखूबी साथ दिया है और आज आवाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन कल रात जिस तरह से आप सभी ने देखा कि किस तरह से अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के वोट को जिस तरह से यहां पर कैंपेनिंग के लिए पहुंचे थे, माधवी लता के साथ उन्होंने रोड शो किया और रोड शो के ज़रिए से उन्होंने एक जगह पर जाकर लाल दरवाज़ा मंदिर के पास जाकर जहाँ पर उन्होंने भाषण दिया, इस भाषण के ज़रिए से उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को रज़ाकार बताया और उसी बात को रिप्लाई देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अमित शाह का मुँह तोड़ जवाब दिया है। इंशाअल्लाह ताला अवाम 13 मई को बताएगी कि यहाँ पर कौन सी ताकत आएगी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फिर से एक मरतबा यहाँ पर पार्लियामेंट सीट पर जीतने में कामयाब होंगे। तो आप सब मिलकर ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।